बोला कि बेटा पूछ रहा तो है। था, उन सबको कुछ पता तो नहीं है, कोई नहीं आ रहा, क्लास बंद तो नहीं है, बाबा है ना बेटा श्वेता सिंह
प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो। क्या पढ़ाई हो रहा था? पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की विशेषताएं। मूल्य निर्धारण हो गया सर। मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण सर। सर नमस्ते। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण को ही फर्म संतुलन कहते हैं, जान लीजिए। कोनो में एकाधिकार में मूल्य निर्धारण को ही एकाधिकार में फर्म संतुलन कहा जाता है। एकाधिकार की विशेषता विशेषताएं निम्नलिखित है। एक विक्रेता एक विक्रेता तथा अनेक क्रेताओं अनेक क्रेता एकाधिकार में पाया जाता है। एकाधिकार में वस्तु की पूर्ति केवल एक फर्म के द्वारा होती है। इसलिए यस सर। यस सर।
एकाधिकार में कोई प्रति स्थानापन वस्तु नहीं होती है। अधिकारी फर्म में एसी औसत लागत तथा एमसी सीमांत लागत यू आकार की होती और एसी रेखा बराबर जो है यू आकार की होती है, एमसी यू आकार की होती है। इसके लोएस्ट पॉइंट पॉइंट को कहते हैं न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु पे काटती है। अधिकार में ए आर औसत आगम तथा एन आर औसत आगम एम आर कार्यकार में ए आर औसत आगम तथा एम आर सीमांत आगम ऊपर से नीचे सीधी रेखा द
कहानी और युक्ति है। लिख लिए? यस सर। जी सर। एक्स एक्सिस पर उत्पादन रहता है, वाई एक्सिस पर एसी होगा, इसमें एसी एमसी दोनों। लिख लिए? यस सर। यस सर। पांचवा पॉइंट जो है उसमें चित्र बनेगा, इस तरह से खिंचाएगा यह रेखा इसके ठीक बीच में, ठीक बीच बिंदु से पास करेगा ए मार। मतलब कि अगर ए आर को ऐसे सटा दिए, एक्स एक्सिस से सटा दिए भी, तो एमआर करने के लिए ये बीच में दाग लगाएंगे, ठीक सेंटर में। ठीक है, ये सही रहेगा तब बीपीएससी में 80% नंबर हिंदी मीडियम उठा सकते हैं, लेकिन चित्र में आपका गलत रहेगा, घेर के जीरो दे देंगे। वो अभी के बीच में दाग लगा दिए, अब यहां से एकदम सीधी रेखा है, ये रेखा है ए आर। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, एम आर ऑलवेज बराबर होगा ए आर बाई टू। बीच से कटेगा, हर जगह एम आर जो होगा आधा होगा, आपको ए आर होगा आधा। अगर इसको इस तरफ से आप लिखते हैं कि दो गुने एम आर बराबर क्या हो जाएगा, दो गुने एम आर बराबर ए आर हो जाएगा सर, ए आर होगा, यही रहता है ऑलवेज। क्या वो पॉइंट हुआ? पांच पॉइंट, पांच पॉइंट हो गया सर। देखिए छठा पॉइंट है कि एकाधिकारी मूल्य निर्धारण के लिए तथा फर्म संतुलन के लिए एम आर बराबर एम सी रूल, एम आर बराबर एम सी रूल का पालन करता है, ताकि एकाधिकारी फर्म को अधिकतम उत्पादन, अधिकतम लाभ
अधिकतम लाभ प्राप्ति हो। उत्पादन फलन तो यार जो है यार ये फंक्शन ऑफ एक्स जो डी टी आर बाई डी एक्स नहीं कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट के फंक्शन ऑफ एक्स डीटीसी बाई डीएक्स इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव है। मार्जिनल रेवेन्यू भी बीमार है उसको लिए। जी यस सर। और जो है एक्स को हम लोग उत्पादन लिए एक्स उत्पादन आर बराबर हो गया आगम बी बराबर हो गया कुल लागत लाभ जो है बराबर हो गया पाई। तो इक्वेशन हो जाएगा पाई इज इक्वल टू आर माइनस और आर यही है टी आर इक्वेशन के रूप में यही हो गया फंक्शन ऑफ एक्स एक्स हो गया उत्पादन। तो यहाँ हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे डेल पाई बाई डेल एक्स बराबर डेल आर by del x and c by del x is equal to u। ये प्रथम शर्त ऑलवेज जो है जीरो रहता है। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एम आर, इसको कहते हैं एम सी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इसको उस तरफ ले जाइएगा तो क्या निकल जाएगा? एम आर इज इक्वल टू एम सी, यही नियम हो गया। अधिकतम लाभ क्या प्राप्त करना है एकाधिकारी को? अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना है। अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना है ना। अधिकतम लाभ की प्राप्ति पांडव जी, हनुमान जी के नाम सुने हो? जी सर। कहाँ गए थे वो? क्या सर? हनुमान जी कहाँ गए थे? लंका।
लंका में सब सोचा कि हनुमान को पकड़ के और उसके पूछ में आग लगा दी, फिर मुस्कुराए, पूछ खूब लंबा करते गए तो कपड़ा लपेटना पड़ा, तो कपड़ा किसका था? लंका वाले का, रावण का जी। खूब लंबा कर दिया सब कपड़ा उसमें लपेट, और उसके ऊपर तेल छिड़का, तो तेल किसका था? रावण का, रावण। और उसके बाद सलाई आया, सलाई भरा वो किसका था? रावण का, रावण का। और जला किसका? जला क्या जल गया? रावण का लंका, लंका जल गया, रावण का लंका जल गया। सोचिए कैसा दिमाग था इकोनॉमिस्ट वाला, कि अपना कॉस्ट कम से कम सब उसी का खर्चा हुआ, और जला भी दिया किसको? सोना के लंका। एक अधिकारी बराबर जो है MR बराबर MC इसलिए करता है कि मैक्सिमम लाभ उसको बाजार से प्राप्त हो। तो इसका पहला शर्त जो है MR बराबर MC सूत्र से निकालने का एक फिक्स्ड विधि है, इसको घर में 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई पूछे तो ये मत कहिए कि प्रैक्टिस करते हैं, सब आपका दुश्मन है, कहना ऐसे ही पढ़ के छोड़ देते हैं। तो सोचेगा कि पांडव ऐसे ही पढ़ के छोड़ देता हूँ, अपना पढ़ के छोड़ दी, बताना नहीं है कि प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप 6 बार प्रैक्टिस करते हैं तो बोलिए 1 बार, ताकि जो दुश्मन है वो भी एक्सरसाइज करने लगेगा, एक एक नंबर से फर्क पड़ जाता है। एक बार मीडियम की एक लड़की थी, क्लास में टेस्ट लिए थे तो उसको 76% दिए, इंग्लिश मीडियम का था तो उसको 76 नहीं देके 75 दिए, कम दिए। जब कॉपी देख रहा था तो उसके बाद बहुत उसको अफसोस हुआ, सर हमारा है, हम सोचते थे कि हम ही टॉप करेंगे, तो ये लड़की कर गई। पर रिजल्ट निकला तो दोनों कम्पीट गए, और मार्क्स जो था दोनों का अलग अलग आया, लेकिन कम्पीट दोनों कर गया। भीतर से एक स्टेमिना हो गया कि 75% शर्त दे दिए, आएगा ही 76-75 का क्या फर्क पड़ता है। कोई भी चीज जो है वो दो बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस किया जाता है। सूत्र जो है जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सुंदर लिखा है। सुंदर दिखाने के लिए जो है आपको उसका खूब सुंदर से उसको दिखाना चाहिए। अरे एक लड़का पढ़ता था तो वाया कहा कि सर कल नहीं आएंगे, उठा है तो सिस्टर को दिखलाना है मैरिज के लिए, उसी में रहेंगे साथ। हाले का था तब तो ठीक है, तो ये माला में वो खोले हुआ था लड़की का ब्यूटी पार्लर, हम लोग को दे गया था कार्ड, तो हम सोचे कि इसको कह देते हैं तो उसको ग्राहक मिल जाए, हम लोग वहीं जाओगे तो तैयार व्यार करा के तब दिखला। अब पूछा कि आपके सिस्टर का किस तरह का मेकअप कर दी, तो उसकी दादी साथ में थी तो बोली कि एकदम जो है दुर्गा जी के तरह कर दी, दुर्गा माता का फेस रहेगा हो जाएगा। उसके बाद सब हो गया, और दुर्गा माता का 2 रूप होता है, एक होता है विनाशनी, एक होता है मंगलकारी। मंगलकारी में देखिएगा कि उनका बाघ जो है मुंह बंद किया रहता है, अविनाशनी में जब चेहरा रहेगा तो चेहरा आंख तना हुआ रहेगा, एकदम डरावना,
बाघ भी जो है सर जो है वो मुंह खोले हुए रहेगा, कर दिया वही विनाशनी वाला उसके दिमाग में था, दशहरा में सबका उसने रहता है बट पाला बड़ी। जब दिखलाने गया तो लड़का लड़का पक्ष से जो मदर आई थी बापरे तो बहुत ही मैंने खतरनाक लड़की लग रही, अभी इस तरह से इसका आंख चमक रहा है तो मैरिज के बाद तो हम लोग को फेंकिए देगी घर से बाहर, प्लस के बजाय माइनस होगी। तो इसलिए इसमें कभी भी भूल से आपको इसलिए बात बता रहे हैं कहानी का क्या आपका दिमाग ये ऐसे मोड़ना है, बहुत लड़का ऐसे मोड़ देगा क्योंकि इंटर में साइंस पढ़े हुआ है तो उसको ऐसा नहीं डेल्टा सिखाया गया, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेवा। तो यहाँ जो है ये सब डेवा, अब मोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा कभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आर और सी दो गो तत्व है, डेल्टा जब भी लगता है तो एक तत्व रहेगा, तो यहाँ एक से अधिक तत्व है, इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना है कि इस तरह का केस रहेगा तो इसको नहीं देना है, किसको देना है देवा। तो परीक्षा में ये गलती जो है नहीं हो इसलिए आपके दिमाग को डाल रहे हैं, जिनको नॉलेज है उसके लिए नहीं कर रहे, जिसको नहीं नॉलेज है नहीं पेपर बताया गया तो डेल्टा नहीं देना है, क्या देना है देवा देना, देवा देना है तो सब पर, यहाँ भी देवा है देवा है देवा है देवा है देवा, और एक्चुअली है क्या तो है पार्शियल डेरिवेटिव, क्या कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए सर हम लोग को एम आर बराबर एम सी निकल गया और यही प्रथम शर्त है, एकाधिकारी कहता है कि हमारे में बाजार में हमारा पहला यही है, हम लोग उतार लिए है ना जी सर। यस सर। और उसके बाद जो है अब हम लोग जान चुके हैं कि देवा पाई देवा एक्स बराबर देवा आर देवा एक्स माइनस देवा सी देवा एक्स इक्वल टू जीरो लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इसके जगह पर सेकेंड ऑर्डर लेंगे, देवा स्क्वायर डे एक्स स्क्वायर देवा स्क्वायर देवा स्क्वायर देवा स्क्वायर देवा एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये कौन ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर ये सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर होता है जीरो और सेकेंड ऑर्डर होता है लेस देन जीरो होगा तो अधिकतम लाभ। अब गौर से देखिए इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेल एम आर बाई डेल एक्स के जगह लिख सकते हैं डेल एम सी बाई डेल एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब हो गया एम सी रेखा एम आर रेखा को
नीचे से काटे। जैसे ही वो नीचे से काटेगा तो अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पहला वाला एकदम सिंपल है। तो मैं डेल लगा हुआ है, डेल डेल पाई बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल सी डेल। अगले बार में ऊपर वाला में डेल पर स्क्वायर कीजिएगा। ऊपर वाला में क्या स्क्वायर कीजिएगा? डेल पर। डेल पर कभी भी नीचे में डेल पर स्क्वायर नहीं, नीचे में डेल एक्स के ऊपर स्क्वायर है, डेल एक्स के ऊपर, डेल पर नहीं। ये फिक्स चीज है। ये तब होगा जब एमसी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे। अगर कोई पूछे कि शर्त दो क्या कर रहा है कहीं, तो आप कहिए शर्त दो कह रहा है एमसी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे, शर्त एक क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स में क्या कह रहे हैं आप? एम आर बराबर होना चाहिए एमसी। वो लड़का हमको बराबर कहे कि सर तो अगर हम यही एम आर बराबर एमसी और एमसी रेखा एम आर रेखा के नीचे से काटे यही दे दें, आई मैथमेटिक्स छोड़ दे तो क्या हो? कि हमारे समझ से तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बोला कि मान लीजिए कि छूट जाए तो क्या होगा? छूट गया तो तुम नगर निगम में ऑफिसर हो गए, जो डीए रहेगा वो बीडीओ हो जाएगा, एसडीओ हो जाएगा, डीएसपी हो जाएगा, तुम हो जाओगे नगर निगम का ऑफिसर। तो ऐसे ही खेल खेल में कहा, पूरा बैच पढ़ रहा है, सब सुनता था, वो सब यूट्यूब पर ये फोटो आता है और उसमें सब बैठा हुआ है जो अभी सब ऑफिसर है। हम आने का जरूरत नहीं कि हमसे पढ़ा, यहाँ क्या है कि पढ़ाया नहीं, झूठो से उसका फोटो लेके छाप देगा अपने कि हमने यहाँ पढ़ा। उसी आदमी का सलवार फराक में वहां फोटो है और साड़ी में फोटो दूसरा में लगाएगी, में नीला रंग का कपड़ा पहन के लगाए, तो नीला रंग का चारों जगह से वो भरवा लिया और उसको कुछ पुरस्कार दे दिया। फिरकी उड़की समय जो टॉपर रहता है उसको कार देता है, तब वो लिखता है कि मैंने यहाँ पढ़ा सही किया। और अभी क्या, हम तो इंटरव्यू लेते थे तो इंटरव्यू का फोटो है, कैसे बैठे हुए यहाँ, कैसे बैठा के जवाब दिए और आज कंप्लीट कर गया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट को इंकरेज कीजिए ताकि ऑफिसर हो जाए। सरकार सब काम कर रही है लेकिन कहीं बोल रही कि रोजगार का प्रोग्राम ये 160 लाख आदमी बेरोजगार था अमेरिका में, केन्स को बुलाया तो केन्स का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाइए, कहा कि कोई नौकरी है नहीं, कहा कोई नौकरी नहीं है तो सोना के खान में गड्ढा खोदवाइए, निकल गया तो सोना निकला और नहीं निकला तो खोद के निकलेगा, बाहर आएगा तो उसको डॉलर दे दीजिए, हाँ तो उसको डॉलर आ जाएगा, बाजार में खर्च करेगा, बाजार में जो फैक्ट्री बन रही है खुल जाएगा। और ऐसा करने पर 160 लाख आदमी को रोजगार प्राप्त हो, जो फैक्ट्री बंद था वो भी खुल गया क्योंकि उसके हाथ में डॉलर जब आ गया तो बाजार में क्या करेगा, डॉलर का कपड़ा खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, सेंट खरीदेगा,
साबुन सेंट वाला दुकान बंद करके बैठा हुआ, लॉकडाउन में बैठा हुआ, डिमांड शुरू हो गई। अब हम सोच रहे थे कि बैच पढ़ा के बंद कर, लेकिन फिर देखे कि एडमिशन हुआ है इस प्रोजेक्ट ऑफिसर, और प्रोजेक्ट ऑफिसर का सिलेबस जो है सो एक साल वाला, इतना लंबा चौड़ा, तो शुरू हो गया पैसा, अब खत्म नहीं होगा, तुम लोग खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक कि आप पढ़ाइएगा लोग देखेगा। बहुत को आश्चर्य लगता है, आप फोन में कहते हैं कि वीडियो वाला पढ़ते हैं तो सब समझ में आ जाता है, वैसे ही सब उतार लो उसमें से 1200 वीडियो उसमें अपलोडेड है, जो मन करे खोज के देखिए उसी में, और सब में पढ़ाने का स्टाइल एक दिनों में थोड़ा फर्क रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा कम रहेगा, लेकिन सब आपको मिलेगा समझ में। यही है दाल वाला जो बताए वो नेसेसरी बात है हिंदी में, जो ब्लैक में दिए हुए हैं वो इक्वेशन है, वो 80% लाने के लिए दिए, ये वही दे सकता है जो कि स्टैंडर्ड किताब से पढ़ा हो या अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हो। पटना कॉलेज में बोर्ड पर हम लोग इसको पढ़ाते थे, तो रिजल्ट निकलता था पटना कॉलेज में तो सब लड़का जो है कम्पीट करता, चार पांच को फोन किया है TRF नेट निकाल दिया। वही बहुत आदमी देखिए दे रहा है पूरा शक्ति से नहीं दे, ये हो गया। अब ये सब हो गया एकाधिकार के विशेषता में, सब बात आ गई कि पूछे ना पूछे यही शुरुआत हम लोग देंगे, और तब निर्धारण में फिर यही बात लिखी हो। एकाधिकार में परम संतुलन, इसी का दूसरा नाम क्या है? एकाधिकार मूल्य, एकाधिकारी मूल्य निर्धारण, एकाधिकार में मूल्य निर्धारण, कमीशन में बदल बदल के नाम रहता है, बात वही रहता है। अब देखिए मूल्य निर्धारण का शर्त उधर हम लोग देख लिए हैं, अब यहाँ हम लोग केवल उधर से जो चीज है बड़ा अच्छा। एक बात और ध्यान देना, जब कभी भी ऊपर में टॉप से खींचना होगा तो ऊंचाई से लीजिएगा, एकाधिकारी ना है, एकाधिकारी आपका कंठ दबा के मैक्सो ले। गलती से फरवरी में देखिए बोर्ड पर यहां से नहीं लकीर खींच दीजिएगा, यहां से लकीर नहीं खींचेगा, एकदम टॉप से गिराइएगा ऊंचा। ऑलवेज क्या कीजिएगा, ऊंचा से गिराना है, और उसके बाद ठीक बीचे बीच गलती नहीं हो जाए इसलिए वो पेंसिल का डॉट लगा दीजिएगा, बीचे बीच पास करा दीजिए। इसका नाम हो गया MR, इसका नाम हो गया MC। अब जो है इसमें से एक रेखा लीजिए, इसका नाम दे दीजिए AC, इसे दूसरा रेखा लीजिए और इसका नाम दे दीजिए MC। एक बात बराबर याद रखिए कि यहाँ हम लाल पीला चित्र इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन BPSC में रंगीन रेखा नहीं बनाना है, BPSC के परीक्षा में कोई भी चित्र को रंगीन नहीं करना है, वो आपके कॉपी को कालिक से पोत देगा,
कॉपी पहचाना जाए, पैमानी हो सकता है। ये नियम है कि वह कॉपी जिसमें कि लाल पीला से चित्र बना दिया है, या तो उस कॉपी को जांचेगा नहीं, अंडर सस्पेंशन डाल देगा, और नहीं तो उसको इंक से मिटा देगा, इंक से इंक लगा देगा, इंक लगा देगा तो और खराब हो जाएगा, कॉपी खराब हो जाएगा। यहाँ आपको समझना है, इसलिए हम रंग बदल दिए। तो ध्यान क्या देना है कि एसी के नीचे से पास करेगा एमसी, और एआर और एमआर के बीच में बीच। अब गौर से देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है। इस पॉइंट पर एमआर बराबर हो जाएगा एमसी, तो कट कर रहा है, इसी को नीचे कीजिए तो यही हो गया उत्पादन। एकाधिकार में उत्पादन, एकाधिकार में उत्पादन, और यही ऊपर चला जाएगा और बाएं मुड़ जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो एआर में सट गया, बाएं मुड़ गया तो प्राइस हो गया, और इस ई बिंदु पर से जो रेखा नीचे आई हुई है, यानी रेखा का नाम क्या है, ईएम रेखा, ईएम। और पास कहां से कर रहा है, तो एमआर बराबर एमसी से। क्लियर है बात? यस सर। तो अब ईएम रेखा जो है, ईएम रेखा जो है वो एसी को काटती है यहां पर एफ बिंदु पर, एफ बिंदु से एक बायां लकीर मिला दीजिए, इसका नाम जी दे दीजिए। अब जो है यही लाभ है कि घर है लाभ। समझाने के लिए अब रंगीन दे रहा है। अब ये हो गया एकाधिकारी, एकाधिकारी मूल्य। एकाधिकारी उत्पादन जो है हो गया ओएम। अब देखिए कुल आगम, कुल आगम का मतलब होगा टी आर। ये कितना के बराबर होगा, ओ एम ई पी, ओ एम ई पी, ओ एम सीधे यहाँ ई, कुल लागत, कुल लागत होगा ओ एम एफ जी, ओ एम एफ जी। और एकाधिकारी उत्पादन कितना होगा, ओ एम, अधिकारी लाभ कितना होगा, हो जाएगा टी आर माइनस टी सी,
पी आर माइनस टी सी, पी आर कितना है ऊपर निकल गया ओ एम ई पी, ओ एम ई पी, टी सी कितना है ओ एम एफ जी, टी आर देखिए ओ एम ई पी टी आर है, ओ एम एफ जी, ओ एम एफ जी टी सी हो गया, ये घर टी सी हो गया, ये यहाँ पर वाला टी आर हो गया, टी आर माइनस टी सी, टी सी यहाँ घटाएंगे तो यही घर क्या हो गया लाभ हो गया, इतना घटाएंगे तो बचेगा कितना पी ई एफ, पी ई एफ जी है ओ एम एम कट गया, क्यों कहेंगे एका अधिकारी तो एक दिन और पढ़ाएंगे अल्पकाल दीर्घकाल, इसलिए आज वाला पढ़ाई को रीराइट करके व्हाट्सएप पर हमको भेजिए, अंडा तुम भेजे थे ना जी, देखे हो कि हम देख दिए, अच्छा है दिए थे सर, देखे हो कि नहीं देखे थे सर, हाँ थैंक यू लिखे नहीं तो लिखना चाहिए ना, जब हम लिख दिए अब राहुल झा को लिख देते हैं वेरी गुड तो उधर से लिखा थैंक यू सर प्रणाम सर, तब करते रहना चाहिए ना, पता नहीं कब तुमको मिल जाए लॉटरी, एक आदमी आया कहा कि अगर आपको हम एक न्यूज सुनाते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, तो आप क्या कीजिएगा हमको क्या दीजिएगा, तो बोला कि इसमें तुमको आधा दे देंगे, क्या वो आया कहा कि आपको 10 करोड़ का लॉटरी लगा है, तो सुनते उसका हार्ट फेल कर 10 करोड़ का मिला है तो उसका आधा भी दे देंगे तो 5 करोड़ बन जाए, पैसा जो है सबको बर्दाश्त नहीं होता, सुना जो है कि पूरा गला में जो है बकरी के तरह मोटा, बकरी के गाय में गला गला में लगाया रहता है कुछ तरह का, उस तरह से मोटा मोटा गला में सोना का पहने रहता, इतना मोटा सोना में गला जो है में लड़की को नहीं मिलता है साथी में, मर्द पहन के घूम रहा है, बोला कि जो है भाई भाई मने क्या कहा कि भाई मने हो गया बदमाश में सबसे आगे, बदमाश का एक्टिंग करना होगा तो उसको गला में 3-4-5 को सोना का चेन पहनाएगा मोटा मोटा, बाद में अक्षय कुमार उसको मार मार करके ठीक कर देगा, सोना का भी जो कहता है कि सोना जो है रावण को पागल कर, सोना का महल जब नहीं था तो बहुत सुख शांति थी, अब ये तरह ने पूजा पाठ करता था जैसे सुनते हैं कि अपना गर्दने काट के चढ़ा देता था शिवजी को, तो उस तरह का पूजा करने का जो मांग लिया कि सोना का नगरी हो जाए, जहां देखा सोना, बहुत तनाव का भी होता है, कॉलेज में पढ़ाते थे सोना उना हम नहीं पहनते थे, लेकिन एक बार जो ऐसे ही खुली में 3-4 गो अंगूठी पहने क्लास में पहने रहते थे, एक वो आया हमारे हाथ में तो बोला कि सोना जो आप इतना पहने हुए अंगूठी में, आप पंडित से पूछे हैं कि आपको सोना धारेगा कि नहीं धारेगा, तो क्या ही कहते हो, नहीं सर कभी कभी सोना ज्यादा उंगली में रहेगा नहीं से हानि भी हो जाए, गलत डिसीजन ले ली, और उसके बाद चला गया कहके, उसका बेटा पढ़ता भी था वो लंदन में गया वहीं मैनेजमेंट किया ही किया, बाद में एक दिन हमको मन में आया कि उसको खोल के रख देते, तो सुरख
मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, मान लीजिए हीरा काउंटी पहने मिनिमम कॉस्ट उसका 50,000 और मैक्सिमम 10,00,000। स्ट्रेट आदमी से बात हुई तो बोले अंगूठी में देखे हीरा का काम की कितना का होगा, बोला क्या बताइए, डरते डरते 2,00,000 बोले, बोला कि 10,00,000 इसका दाम है, 1962 में 10,00,000 में खरीदे, 62 में 10,00,000 में खरीदा था, अभी तो 20,00,000-25,00,000 दाम उसका। बहुत अनसेफ आपको रहेगा, आप रोड पर चल रहे हैं तो हर आदमी आपको अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, बैग लेके आप चल रहे हैं, फोन बच है, धराक से बगल से क्रॉस करेगा मोटरसाइकिल से आपका बैग छीन के चल रहे, बहुत हो रहा है, मोबाइल लेके आप चल रहे हैं छीन लेगा पर्स, अब मोटरसाइकिल पर चलाने वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे बैठने वाला चिंता है, मुझे तो जाना है शाम को, बहुत अलर्ट रहने का समय है, इधर हम लोग चित्र बनाने में भी अलर्ट रहे, एसी को पेंदी में यहाँ देखिए ये पेंदी है, पेंदी को मान लीजिए हम लोग नाम कुछ दे दें के बिंदु, के बिंदु जो है हर हाल में पेंदी होना चाहिए बॉटम। अब देखिए बीपीएससी में एक लड़का का नंबर कम मिला, देखिए क्यों मिला कम, सो देखिए बॉटम यहाँ है, उसको टीचर सिखाया नहीं तो वो क्या किया कि एसी है मान लीजिए और एमसीए से खींच दिया, सही है गलत? नहीं सर, मिनिमम मैक्सिमम बिंदु पे नहीं खाता। कौन बोले? प्रिया सिंह बोल रही है, बोला है सर, हम बोले हैं एसी के मिनिमम पे काटना चाहिए जो नहीं काट रहा है एमसी नीचे से, काटना चाहिए किसको? एसी के मिनिमम बिंदु पे एमसी को काटना चाहिए नीचे से। बताओ प्रिया जी, आदमी को कुत्ता काट लिया ये न्यूज होगा कि कुत्ता को आदमी काट लिया ये न्यूज होगा, कौन न्यूज छपने वाला है? आदमी को कुत्ता, सॉरी कुत्ता आदमी को काट लिया क्या? ये तो कॉमन हुई बात, न्यूज होगा, उस दिन काटते रहता तो सर आदमी कैसे काटेगा कुत्ता, यही ना न्यूज होगा, आदमी को देख के कुत्ता भागने लगे, आदमी होगा जेंट के तरह हो पर जो चिड़ के खा जाएगा ऐसा रहेगा, उसे डरेगा, कहने का मतलब कि यूनिकनेस होना चाहिए न्यूज में जी। अभी देख रहे हैं कि कुमार विश्वास जो है गाना गाता था, अब मोबाइल खोलिएगा तो उसमें नजर आ जाएगा, हमको सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि करोड़ रुपया वो अब तक टैक्स दे चुका है गाना का, असल में सुनिए बोल रहा था जीएसटी जो है करोड़ रुपया दे चुका है, बराबर देश विदेश घूमता रहता, बहुत अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट है, 17 साल से प्रोफेसर था, अब यही सब कर रहा, तो अभी हाल में काफी न्यूज में आ गया, इसलिए कहता है कि न्यूज जो है उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, तो आप लोगों में क्या ध्यान देना है, एसी यू आकार का होगा और एमसी भी यू आकार का होगा, लेकिन एमसी जो है थोड़ा बाएं से ऐसा खींचेंगे नीचे से, नीचे से काटते ऊपर चलिए, जहां नीचे से काटेगा वो बॉटम होना चाहिए, वहां दाग लगा देंगे, और एमसी रेखा बाएं से जब गुजरेगी तो एमआर को काटेगी, एमआर को काटेगी, तो ये चित्र सब लोग आज ही बना के आज रात तक ले भेज दीजिए, सबका देखेंगे, जो इस साल कंप्लीट करना है उसके लिए है, जो इस साल नहीं कंप्लीट करना है तो उस पर भी लागू नहीं, तो एनर्जी वेस्ट करने का क्या जरूरत, उतना देर में तुम अपना खाना बना के खा लोगे, ज्यादा अच्छा, इसको कहीं कम्पीट करना है,
उसको जरूरी है कि आज हम पढ़ाए आज रात में चित्र को खिंचखाच के भेजे वो चित्र है कि चित्र सही होगा तो फिर अगला चार को चित्र बताएंगे इसी पर आधारित नाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर क्या क्या कहे कि कुत्ता काटेगा आदमी को तो न्यूज हो जाएगा तो पूरा न्यूज बना रहे है कि पटना में काटा ही फरसा में काटा पूर्णिया में काटा ये हो जाएगा सर देखे नहीं है ना आदमी को काटते हुए बोले कुत्ता का मीट खा लेता है सब बना कहावत है ना कहावत यूनिकनेस समझी सब चीज देखा जाता है नहीं सर सोचो हनुमान जी किस चीज को खा गए थे सूर्य को मेरे भगवान को दुनिया से पूछ रहे हैं सुनी हो जी निगल गए थे किसको निगल गए थे सूर्य भगवान को सूर्य का जो साइज है उसको निगलने के लिए कितना बड़ा मुंह चाहिए ये इनडायरेक्ट बता रहा है कि हनुमान जी कितने ताकतवर थे